हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, ये है खैतान का मोनोब्लॉक पंप। इसे डोमेस्टिक वाटर पंप भी कहा जाता है, या फिर आप वाटर मोटर पंप कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे मोटर पंप कहते हैं, बहुत से लोग इसे सिर्फ मोटर ही कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इस मोनोब्लॉक पंप का सारा डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ इसका सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। इस वाटर पंप में खराबी यह है कि इसमें पानी का प्रेशर बहुत ही कम बनता है, बिल्कुल ना के बराबर। देखिए, पानी का प्रेशर कम बनने का कई कारण होते हैं, तो मैं एक ही वीडियो में सभी कारण तो नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपको दिखाता रहूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होगा, क्योंकि इसमें जो खराबी है ये बहुत बड़ा कारण है पानी का प्रेशर कम होने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस इम्पेलर को ध्यान से देखिए। देखिए, इस इम्पेलर के सारे दांत घिसे हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके सारे दांत टूटे हुए हैं, एक ही बात है। और इसके अंदर के भी सारे दांत घिसे हुए हैं। तो मैं जब इस इम्पेलर को निकालूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि अंदर के दांत भी घिसे हुए हैं। तो देखिए, इस इम्पेलर के सारे दांत घिसे हुए हैं, जिसके कारण पानी का प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। अगर इन सारे दांत में से कुछ दांत घिस जाएंगे, या फिर कहें टूट जाएंगे, तो पानी का प्रेशर कुछ कम हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा दांत घिस जाएंगे, या उससे अधिक दांत टूट जाएंगे, तो पानी का प्रेशर और कम हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा दांत घिस जाएंगे या फिर टूट जाएंगे, तो बिल्कुल ही प्रेशर कम हो जाएगा, ना का बराबर प्रेशर रहेगा। तो इस मोटर में यही प्रॉब्लम है, इसके सारे के सारे दांत घिस गए हैं, देखिए, या फिर कहें कि सारे के सारे दांत टूट गए हैं, जिसके कारण इसका प्रेशर बिल्कुल ही कम है। अब देखिए, ये है पुलर। ये सीलिंग फैन का बेयरिंग निकालने वाला पुलर है, तो मैं इस पुलर से ही इम्पेलर को निकालूंगा, क्योंकि ये इम्पेलर तो बिल्कुल ही ख़राब है। अगर मैं इस पुलर से इस इम्पेलर को निकालता हूं और इम्पेलर को कोई नुकसान होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इम्पेलर तो बिल्कुल ही ख़राब है। तो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ इस इम्पेलर को, इस पुलर से। देखिए, इस पुलर को इस इम्पेलर में इस प्रकार से फंसा देना है। देखिए ये किस प्रकार फंसाया गया है, इस तरह से आपको इस पुलर को इस इम्पेलर में फंसा देना है और इसे घुमाना है। देखिए, इस प्रकार से इसे घुमाते जाना है। अगर ये टाइट रहेगा तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर ये टाइट है, थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, इस प्रकार से जोर लगा खोलना पड़ रहा है। देखिए, ये खुल गया। देखिए, इसके पीछे के सारे दांत टूटे हुए हैं। इस इम्पेलर का ये जो पीछे वाला भाग भी है, इसके भी सारे दांत टूटे हुए हैं, और आगे वाला तो आपने देखा ही, ये सारे के सारे दांत टूटे हुए हैं। तो आपको इस प्रकार का इम्पेलर खरीद के लाना होगा बाज़ार से, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का। तो इसके लिए आपको इस इम्पेलर को लेकर बाज़ार जाना होगा और वहाँ से ख़रीद के लाना होगा। देखिए, यहाँ पर एक चाबी होता है, ये देखिए, ये है चाबी।
इसे मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे तो नया इम्पेलर लगाना है, तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए चाबी इस होल में फंस जाता है, जिसके कारण इम्पेलर सही से फिट हो जाता है और इसमें अच्छी तरह से फंस जाता है, तो मुझे इस चाबी को निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का इम्पेलर आपको बाज़ार से ख़रीद के लाना होगा। इसे आप बाज़ार लेकर जाएंगे और दुकानदार को दिखाएंगे तो वो आपको इस प्रकार का इम्पेलर निकाल कर देगा। देखिए इसे आप जब ले जाते हैं दुकानदार के पास, तो दुकानदार क्या करता है, इसके जो बीच में होल है उस होल को मिलाते हैं और इम्पेलर का जो साइज है उसको मिलाते हैं। ये सारा मिला करके ही आपको वो इम्पेलर देते हैं, इसलिए आपको ले जाना ही पड़ेगा इस इम्पेलर को। देखिए ये है नया इम्पेलर जो मैंने बाज़ार से ख़रीद के लाया है। दोनों का साइज़ देखिए बिल्कुल सेम है और बीच का होल भी बिल्कुल सेम है। तो ये है नया इम्पेलर, इसे मैं अब फिट करके आपको दिखाता हूँ किसे किस प्रकार फिट करना है। देखिए सबसे पहले इस जगह पे तेल दे देते हैं, कोई भी तेल दे सकते हैं, मोबिल भी दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ चिकनाहट के लिए यहाँ पर देना है ताकि ये इम्पेलर आराम से अंदर चला जाए। देखिए यहाँ पर ये इम्पेलर टच नहीं होना चाहिए इस जगह पर, यानी कि यहाँ पर कहीं भी ये इम्पेलर टच नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार ये पुराने वाला इम्पेलर लगा हुआ था उसी प्रकार नए वाले इम्पेलर को लगा देना है इसे। देखिए इसे इस प्रकार से लगाते हैं। अब एक पाइप ले लेंगे, पाइप से इसे ठोक ठोक के अंदर करेंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए इसमें बैठाते हैं इस प्रकार से, देखिए होल में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस नए वाले इम्पेलर पर मैंने ये पाइप को बैठा दिया है। अब मैं इसे हथौड़े से ठोक कर अंदर करूँगा। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से बैठा दिया है। ये इस प्रकार बैठना चाहिए कि वाटर पंप के बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, यानी अंदर तरफ ये इम्पेलर टच नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार बैठना चाहिए कि लगे कि अब टच होने वाला है, पीछे के तरफ ये लगे कि टच होने वाला है लेकिन टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नाम मात्र का गैप रहेगा जो सही से देखिए दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ पर गैप है, लेकिन इसमें गैप है, बिल्कुल नाम मात्र का गैप है। देखिए हल्का सा गैप दिख रहा है, तो इसी प्रकार का आपको फिट करना है। टच सिर्फ इसमें नहीं होना चाहिए, लगे कि टच होने वाला है वहीं पर छोड़ दें। इस प्रकार आप इम्पेलर को फिट कर लेंगे और आपका इम्पेलर बिल्कुल सही फिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो डोमेस्टिक वाटर पंप पे और भी देखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इस पुराने वाले इम्पेलर को और नए वाले इम्पेलर को आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पूरे के पूरे दांत टूट चुके हैं या घिस चुके हैं। अब मैं इसमें लाइन देकर आपको दिखाता हूं। देखिए दो
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें।